अभी एक नए हुए अगर यूनिटी में अभी हम लोग नहीं आए ओके तो आने वाला समय में कभी नहीं आ पाएंगे। अगर हिंदुस्तान से हम लोग भागेंगे तो भाग के कहाँ जाएंगे, कभी कोई बगल में हिंदू का देश नहीं है। बहुत नाइंसाफी हुआ, दर्दनाक, मतलब बोलिए इसको दर्दनाक, दर्दनाक। लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज वायरल योगेश, वेलकम टू द चैनल अगेन। आज का जो प्रोग्राम है वो है द कश्मीरी फाइल्स को देखने का। किनी ने मुझे इनवाइट किया है, बहुत ही दिग्गज यूट्यूबर जो हजारीबाग में रहते हैं उन्होंने मुझे इनवाइट किया है। उन्होंने कॉल किया हमारे पास कि योगेश आप आओ और हम लोग मिलकर इस मूवी को प्रमोट करते हैं। तो चलिए आपको मिलवाते हैं उनसे। अभी फ़िलहाल मैं हजारीबाग के लिए और बढ़ने वाला हूँ अकेले, तो बाकी की कहानी आगे बताते हैं। ओके, ओवर एंड आउट। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था कि आज हमें इनविटेशन मिला है एक दिग्गज यूट्यूबर की तरफ से द कश्मीरी फाइल्स देखने के लिए, तो चलिए आपको मिलवाते हैं दिग्गज यूट्यूबर और मेरे हिसाब से झारखंड के टॉप यूट्यूबर। अब ऐसे मत बोलिएगा, ऐसे मत बोलिएगा कि टॉप यूट्यूबर तो मनोज भैया है। देखिए, मनोज भैया मुझे यहाँ नहीं बुलाया, बुलाए तो ये है, तो मेरे लिए टॉप तो यही हुए, लाख सब्सक्राइबर होने वाला है और जल्दी आप लोग 1 मिलियन भी करवाइए। हाँ, बाकी आप बोलिए मिस्टर। तो भैया जी स्वागत, मतलब बहुत बहुत धन्यवाद आप, हम मतलब आप ब्लॉग में हमारे लिए बहुत बहुत स्वागत मतलब करते हैं, आप लोग को अभिनंदन करते हैं। इनका नाम सबसे पहले जोशी के ब्लॉग से हमें इन्विटेशन मिला, पहली बार हम लोग मिल रहे हैं, फर्स्ट टाइम मिल रहा है और फर्स्ट टाइम में हम लोग व्लॉगिंग से स्टार्ट कर रहे हैं और बाकी अब ये खुद बताएंगे आप लोगों को कुछ। तो भैया बहुत सबसे पहले वेलकम करते हैं और अब भी हम लोग सबसे पहले एक टॉपिक को लेकर आए हैं जो कि ये भी मूवी देखना चाहते हैं और हम भी देखना चाह रहे थे, क्योंकि भाई एक सच्चाई जानना चाह रहे थे, क्योंकि भाई मोबाइल में तो हम भी देख सकते थे पर वो मोबाइल वाला मज़ा नहीं है। मूवी का नाम बताइए ना। द कश्मीरी फाइल्स, समझ जा भाई, धड़कन भाई क्या बताए और क्या बोले। अभी जाएंगे देखने के लिए, सबसे पहले तो जो भी होता है रिएक्शन और जो कुछ भी सीख मिलता है आप लोगों को सारा चीज़ आपको बताएंगे, हमारा स्पोर्ट बताएंगे, वो हॉल के बाहर बताएंगे, सारा चीज़ बताएंगे गाइस। पब्लिक रिव्यू हमारा, हाँ नाम बताइए अपना। नाम श्रीनिवास शर्मा हो गया हमारा। बिल्कुल बताइए उस मूवी के बारे में, ये इस मूवी को मैसेज के बारे में। इस मूवी बहुत ही अच्छा मूवी है, ये कश्मीर से रिलेटेड मूवी है और ये हिंदुओं, कश्मीरी हिंदुओं पर जो अत्याचार हुआ है उस अत्याचारों को यहाँ पे इस मूवी में बताया गया है। मैसेज क्या मिला? मैसेज मिला कि कश्मीर में उस समय बहुत अत्याचार हुआ पंडितों पर, हिंदू धर्म पर, हिंदू धर्म पर, तो उसी इस फिल्म को देखने के बाद हर हिंदू का जो खून है वो खोल रहा है और ये रियल स्टोरी है, रियल स्टोरी पे बेस्ड है। लास्ट वाला जो सीन था उसके बारे में, क्लाइमेक्स के बारे में दो शब्द बताएं। क्लाइमेक्स क्या था कि मूवी में एक हिंदू, बताइए मत, वो पब्लिक खुद देखेंगे, उसके बारे में आप कुछ एक्सप्रेस कीजिए। एक्सप्रेस ये करना चाहता हूँ कि जिस प्रकार हिंदू पंडित को काटा गया ये सरासर गलत है, क्योंकि हम ये
ये एक लोकतंत्र देश है, यहाँ पे सभी लोगों का अधिकार है। यह सब अब सभी को इंडिपेंडेंट होके जीने का अधिकार है, लेकिन वहाँ पे अंत में जो हुआ वो बहुत ही दर्दनाक था। वो और निकलने के बाद तो जैसे मातम सा छा गया माहौल। और बस यही है। आपका नाम क्या बस? मेरा नाम श्रीनिवास शर्मा है। बहुत बढ़िया। ये आप लोगों को देखने का आप सजेस्ट करिएगा कि नहीं करिएगा? बिल्कुल करेंगे, 100% करेंगे। क्या बोल रहे हैं? दो बार आया देखिए। हाँ, तो हमारे साथ अभी एक और व्यक्ति जो है वो रिव्यू देना चाहते हैं। हाँ बताइए अंकल, अपना नाम बताइए पहले। मेरा नाम भरत कुमार रंजन हुआ। हाँ, थोड़ा साउंड कस के बोलिएगा। मेरा नाम भरत कुमार रंजन हुआ, मैं हजारीबाग से हूँ। क्या मैसेज मिला आपको अंकल इस मूवी से? मूवी से बहुत अच्छा मैसेज मिला कि आज जो कांड हुआ था जो कश्मीर में, उसको लेके बहुत कुछ दिखाया गया। जो मतलब आदमी कहाँ पाता है, मतलब आदमी मतलब बहुत कुछ नहीं जान रहा था। बिल्कुल, काफ़ी कुछ छुपा के रखा गया था। जो आज ओपन हो पाया है जी, मतलब बहुत अच्छा मैसेज मिला है। अंत में जो क्लाइमेक्स हुआ उसके बारे में कुछ दो शब्द आप अपने हिसाब से बताइए, अपने तरीके से बताइए जो अंत में हुआ इस मूवी का। क्योंकि आप मूवी तो खुद लोग देखने जाएंगे ही जाएंगे, आपके हिसाब से लास्ट जो सीन था उसके बारे में दो शब्द बताइए, जो वो लेडीज के साथ हुआ और वो सारे लोगों के साथ हुआ जो पंडितों के साथ। ये तो खैर कहा जाए एक तरह से बहुत मतलब बहुत नाइंसाफी हुआ, दर्दनाक, मतलब पुलिस को दर्दनाक जो एंडिंग हुआ इसका, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। जी बिल्कुल, यही मैसेज है, ऐसा बहुत गलत हुआ है। लोगों को आप देखने के लिए इसको प्रेरित करिएगा कि नहीं करिएगा? हम चाहते हैं कि हर घर से लोग इसको मतलब देखें। और फैमिली मूवी है ये, है ना? फैमिली मूवी है कि नहीं? हर लोग सब देखे, घर का हर फैमिली देखे, लेकिन देखे जाने की है ऐसा क्या ये इतिहास में क्या हुआ था, हुआ था वही चीज़ पंडितों के साथ कश्मीर में, जानने का मौका मिला है। सब बहुत अच्छा लगा। ठीक है, थैंक यू। एक और व्यक्ति है जो पूरा अंदर सिनेमा घर में काफ़ी नारा लगाए और उनका आवाज़ भी बैठ चुका है, तो हाँ नाम बताइएगा। मेरा नाम वासु दुबे है। कहाँ से? मैं हजारीबाग से हूँ, मैं भी एक पंडित हूँ। अच्छा, तो ये आपको तो ज़्यादा प्रेरित और भी खून खोल रहा होगा आपका। खून मेरा अभी भी खोल रहा है। बिल्कुल, ये जो हुआ जी ये बहुत गलत हुआ कश्मीर के पंडितों के साथ। और अभी सबसे बढ़िया ये है कि हमारा सरकार मोदी जी हैं जी, जो 370 धारा को हटा दिए। अच्छा, सही बात है। अभी भी अगर कि कश्मीरी पंडित चाहे तो वहाँ जा सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ मोदी जी हटाए हैं, और ये हटाने का हिम्मत और किसी को पहले नहीं था। था लेकिन शायद हाँ, लेकिन वो नहीं कर रहे थे। पूरा इंडिया करप्ट है। बिल्कुल, इसी तरह करप्ट रहा तो पूरा इंडिया गुलाम बन जाएगा, जैसा कश्मीर में हुआ वो हर स्टेट में होगा। मैसेज क्या मिला और क्या आप लोगों को देना चाहेंगे इससे मैसेज? क्योंकि हर एक मूवी के पीछे एक मैसेज छुपा हुआ होता है, एक संदेश छुपा हुआ होता है, वो बताइए आप। इससे मैसेज ये देना चाहते हैं कि अभी जितना लोग पिक्चर देखें, अगर अभी एक नहीं हुए, अगर यूनिटी में अभी हम लोग नहीं आए ओके, तो आने वाला समय में कभी नहीं आ पाएंगे। अगर हिंदुस्तान से हम लोग भागेंगे तो भाग के कहाँ जाएंगे? कभी कोई बगल में हिंदू का देश नहीं है, सब पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, चाइना है, सब दुश्मन है हमारे। अगर यहाँ से हिंदू भागेगा, यहाँ से पंडित भागेगा तो कहाँ जाएगा? इसलिए अभी हम लोग को एक होना पड़ेगा। और बस यही तो और लास्ट हमारे हमारे जोशी भैया बताएंगे। हाँ बोलिए। और भाइयों, आप लोग से सभी से अनुरोध करते हैं कि जितने लोग ये मूवी देख रहे हैं भाई, जितने लोग ये मूवी देख रहे हैं, खाली आप ना देखें, जितने मतलब आपके परिवार लोग हैं, जितने सब है, सभी को ये मूवी सर्कल फैमिली मूवी है। हाँ, में मैसेज है काफ़ी अच्छा, कोई वैसा सीन नहीं है जिससे आपको कोई प्रॉब्लम हो सकता है फैमिली को ले जाने के। तो हाँ बोलिए क्या बोलिए। क्योंकि भाई ये एक सच्चाई है और एक सच्चाई को दिखाया गया है। हम लोग का मतलब क्या ही बोले, पॉलिटिशियन कितना गंदा है भाई, जो कि ये सच्चाई को छुपाइए रखा भाई, सोचो कितना गंदा ये पॉलिटिशियन है भाई। आज जाके सच्चाई सबके सामने आई है और काफ़ी दिग्गज लोग देख रहे हैं इस मूवी को और इससे मैसेज ले रहे हैं, स्टोरी लगा रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं और बहुत मतलब इंस्पायर भी हो रहे हैं। और बहुत इंडिया में तो भाई इतना बहुत गंदा अभी भी आदमी जो कि भाई लिंक शेयर कर रहा है। भाई लिंक शेयर ना करें, हम मतलब यहाँ पर आएँ, हॉल आएँ और हॉल में ही देखें भाई, तभी रेटिंग इसका ज़्यादा जाएगा गाइस।